धनबाद में 74 परीक्षा केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसमें करीब 28,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस परीक्षा को प्रभावित करने के आरोप में दो संदिग्ध व्यक्तियों को धनबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस संबंध में धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि लोहरदगा एसपी से सूचना मिली थी कि धनबाद में हो रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को कुछ लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम मामले के सत्यापन के बाद झरिया से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। एसएसपी ने बताया कि इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 3 ब्लैंक चेक, 21 छात्रों का रोल नंबर, नाम और परीक्षा केंद्र का डिटेल बरामद हुआ है। उन्हें बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में एक बिहार के जहानाबाद और दूसरा बोकारो के गोमिया का निवासी है। लोहरदगा एसपी के वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे कुछ लड़का लोगों के द्वारा एसएससी का एग्जाम को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करने का प्रयास कर रहा है। इसी पे एसडीपीओ सिंदरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। टीम के द्वारा सत्यापन के क्रम में दो लड़का लोगों को अभी डिटेन किया है। उसमें से एक लड़का जहानाबाद का रहने वाला है और एक बोकारो गोमिया का रहने वाला है। इन लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 3 एटीएम कार्ड, 3 चेक लीफ और कुछ लड़का लोगों का रोल नंबर, नाम, एग्जाम सेंटर सब बरामद हुआ है। तो प्रथम दृष्टिया यही फील हो रहा है कि ये लोग किसी न तरीके से एग्जाम को प्रभावित करने का कोशिश जरूर कर रहा था। आज धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 74 परीक्षा केंद्रों पर कंडक्ट किया गया, जिसमें 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति होनी थी। उपस्थित जो अभ्यर्थी हैं वो 8,000 से अधिक उपस्थित रहे, जो लगभग 30% है। सभी 74 परीक्षा केंद्रों पर एग्ज़ाम सुचारू रूप से संपन्न हो चुका है। अभी सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ट्रेजरी में सील करने की प्रक्रिया चल रही है। कल भी इन्हीं 74 परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा है और धनबाद जिला प्रशासन ये चीज़ इंश्योर करेगा कि पुनः कल परीक्षा वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, कहीं पर भी कोई अनफेयर मीन्स के यूज़ की कोई खबर नहीं आई है।